नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना और चांदी, जानिए इसकी कीमतें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें गिरने की वजह से घरेलू बाजार में सोना और चांदी सस्ता हो गया है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी सोने का दाम लुढ़क गया। वहीं इस दौरान चांदी के भाव में 332 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड में मजबूती देखने को मिल रही है और उसने 1.33% को लेकर केवल को फिर से छू लिया है। अमेरिका बॉन्ड की यील्ड में आई मजबूती ने सोने चांदी की तेजी पर ब्रेक लग गया है। मंगलवार को दिल्ली के सराफा बाजार में 99.9% वाले सोने के दाम 37 रुपये गिरकर 46,417 रुपये पर आ गए हैं। इससे पहले सोमवार को बाजार में कीमतें 46,454 रुपये प्रति दर 10 ग्राम पर बंद हो गई थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम गिरकर $1,815 प्रति औंस पर आ गए थे। सोने की तरह ही चांदी की कीमतें में भी गिरावट आ रही है। मंगलवार को दिल्ली के सराफ बाजार में चांदी का भाव 332 रुपये गिरकर 63,612 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। ठीक एक ही दिन पहले सोमवार को एक किलोग्राम चांदी का भाव 63,944 रुपये पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $24.50 प्रति औसत पर आ गया था। HDFC सिक्योरिटीज सीनियर एनालिस्ट और तपन पटेल का कहना यह है कि अमेरिकी डॉलर में आई तेजी से चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमती पर एक बार फिर से गिर गई है। इन संकेतों का असर घरेलू बाजार पर दिख रहा है।